युद्ध शुरू हो चुका है। 2024 का जो युद्ध है, युग परिवर्तन की शुरुआत यहाँ से होगी। भारतीय जनता पार्टी का युग परिवर्तन होगा। हरियाणा प्रदेश किसान बहुल प्रदेश है, और जिस प्रकार से किसानों के ऊपर तानाशाही रवैया, गोली डंडा लाठी आंसू गैस की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, किसान परेशान है। प्रधानमंत्री जी को अपना वायदा याद कराना चाहता है, किसान प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए दिल्ली जाना चाहता है, परंतु मनोहर लाल खट्टर जी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी ज़्यादा टाइट ये बॉर्डर कर रखे हैं। अलग अलग धाराएं लगा रखी हैं, इंटरनेट बंद कर रखा है, किसानों के ऊपर रबड़ पैलेट गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और धारा 307 के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। धारा 307 का मतलब सीधा सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकाबले की धारा है। क्या ये किसान इस देश के दुश्मन है? भारतीय जनता पार्टी ये जो भाषा बोल रही है, आज किसान शांतिपूर्ण तरीके से, प्रधानमंत्री जी ने जो 3 साल पहले वायदा किया था MSP की गारंटी का, वो याद कराने के लिए जाना चाहते हैं। परंतु खट्टर साहब कह रहे मैं जाने नहीं दूंगा। पहले भी खट्टर साहब ने इनकी जड़ें चीन में और पाकिस्तान में बताई थी, पहले भी इनको खालिस्तानी कहा था, आतंकवादी कहा था, और आज भी खट्टर साहब वही व्यवहार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी है। 750 किसानों की इन्होंने शहादत पहले ली थी, और अब भी 7 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं। एक नौजवान 21 वर्षीय शुभकरण की गोली मार के हत्या कर दी गई। एक तरफ ये सरकार है, और एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो किसानों को हर संभव सहायता दे रही है, हर मेडिकल असिस्टेंट दे रही है। शुभकरण की हत्या की गई तो उनकी शहादत को नमन किया, 1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि दी, शहीद का दर्जा दिया, उसकी बहन को सरकारी नौकरी दी। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज क्या इस प्रदेश के किसानों से भारतीय जनता पार्टी को प्यार नहीं है? ये जो दोगला चेहरा है, ये दोगला चेहरा सबके सामने आ चुका है। मनोहर लाल खट्टर जी का, एक तरफ तो अपने आप को किसान के बेटा कहते हैं, और दूसरी तरफ से किसानों पे गोलियां चलवाते हैं। आम आदमी पार्टी इनकी इस कार्रवाई की निंदा करती है, किसानों के साथ है। किसानों को तुरंत रास्ता दे खट्टर सरकार, ये रास्ते खोले, हरियाणा के किसान और व्यापारियों को बेवजह परेशान ना करे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी ये 3 काले कानून बना के हरियाणा की सारी मंडियां बंद करने की कोशिश की थी। ये तो भला हो किसानों का कि व्यापारियों को उन्होंने बचाया और मंडी कायम है, और आज फिर आप बॉर्डर बंद करके, इंटरनेट बंद करके सारे व्यापारियों के व्यापार को भी तबाह करने के तो लगे हुए। एक तरफ किसानों के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ व्यापार तबाह कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दे रहे। अगर कोई मरीज उसके अंदर जा रहा है, तो इस देश के संवैधानिक अधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन अगर कोई कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं जहां जहां जिस जिस गांवों के अंदर जा रहा हूं, इस लोकसभा चुनाव में मैं कैथल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर और यमुनानगर, तीनों जिलों के अंदर जो 9 विधानसभा लगती है, 9 की 9 के अंदर मैं गया। 9 की 9 के अंदर किसानों की शिकायत है कि भारतीय जनता पार्टी हमें दुश्मनी ले रही है, हमारे ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमे दर्ज करने की धमकी दे रही है, संपत्ति कुर्क करने का नोटिस दे रही है, बैंक अकाउंट सील करने का नोटिस दे रही है, पासपोर्ट रद्द करने का नोटिस दे रही है, आर्म लाइसेंस रद्द करने का नोटिस दे रही है। आजाद हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कभी जुलम कभी हमने देखा नहीं था, जैसा जुलम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में किसानों के साथ किया। और इस लोकसभा चुनाव के अंदर, इस कुरुक्षेत्र सीट के अंदर, जिस जिस गांव में मैं जा रहा हूं, किसान इस बात से बहुत परेशान है
कि भारतीय जनता पार्टी हमारे से कहीं ना कहीं बदला ले रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक सिखाने के लिए भी किसान तैयार बैठे। आज यही कारण है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंदर जो नायब सैनी है, लोग उसको गायब सैनी कह रहे हैं, लोगों के बीच में रहता नहीं है। सैनी साहब गायब हो चुके, गायब सैनी इस कुरुक्षेत्र में उनका नाम प्रसिद्ध हो चुका है। कुरुक्षेत्र में जब बाढ़ आई थी तो विदेश में अपने रंगीलिया मना रहे थे।